हेलो माय लवलीज, मैं हूँ रंगीली रुचि एंड वेलकम टू बॉलीवुड कैफे। यहाँ मिलेंगे आपको बॉलीवुड की सबसे फ्रेश और कड़क खबरें, जस्ट लाइक माय कड़क कप कॉफी। सनी लियोनी के बाद कौन सी एक्ट्रेस बनी राखी सावंत का निशाना? अगले हफ्ते बॉक्स ऑफिस वीकेंड पर राखी सावंत की फिल्म एक कहानी जूली की और कटरीना कैफ की बार बार देखो के चलते बड़ी जमकर टक्कर होने वाली है। कटरीना और टक्कर को लेकर राखी सावंत ने कहा, मैं कटरीना को जबरदस्त टक्कर देना चाहती हूँ, यही मेरा इरादा है। कैट तो फ्लॉप फिल्मों की हीरोइन है, उनसे क्या डरना। आपको बता दें कि राखी यहाँ इनडायरेक्टली कटरीना की फितूर और फैंटम फिल्म की बात कर रही थी और इसीलिए राखी को लगता है कि कटरीना में पहली वाली बात नहीं रही, तभी तो मैडम ने उन्हें चैलेंज किया है। वाह राखी, वाकई आप कटरीना कैफ से ऊपर हो, इसीलिए आप ही को देखा जाएगा बार बार, पक्का प्रॉमिस। कटरीना आप ना हार मान लो, वरना राखी आपका भी हाल सनी लियोनी जैसा कर देंगे। तापसी पन्नू बनने वाली है बॉलीवुड की मीरा। तापसी पन्नू के लिए बॉलीवुड में बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। बड़े प्रोड्यूसर नीरज पांडे की आने वाली फिल्म मीरा के लिए तापसी पन्नू मेन हीरोइन होने वाली है। साथ ही इनको इस फिल्म के चलते मौका मिलने वाला है अक्षय कुमार के साथ एक बार फिर से काम करने का और साथ में मनोज बाजपेयी भी होने वाले हैं। मीरा के रोल के लिए तापसी विल हैव टू अंडरगो इंटेंस ट्रेनिंग एज द फिल्म इज मेंट टू हैव सेवरल स्टंट्स और इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी एंड ऑफ सितंबर से। तापसी ने कहा, It's almost too good. I believe that I'm getting to play the title role in my career so early. I was told about this film almost a year back, but I never believed it. Now finally it's happening and I am ready to get trained in some intensive martial arts form for the action thriller. Kya baat hai Tapsee? Pehle aapki movie Pink, uske baad Baby 2 aur ab ye sahi ja rahe hain. किस बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहती हैं इलियाना डिक्रूज? हाल ही में हुए इंटरव्यू में इलियाना डिक्रूज ने रिवील किया कि वो काफी समय से एंजाइटी और डिप्रेशन से गुजर रही हैं। फिर इस पर जब मीडिया ने किया सवाल तो इलियाना ने जवाब दिया, इट्स अ प्रॉब्लम ओनली इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर इश्यूज, जस्ट लाइक यू गेट योर फिजिकल चेकअप डन एवरी ईयर, बट मेंटल चेकअप इज समथिंग यू टेंड टू ओवरलुक। आई जस्ट थिंक पीपल नीड टू बी अवेयर बिकॉज इफ यू डू नॉट रियलाइज इट देन यू कैन बी होल्डिंग बैक। But if you get yourself checked, your personal and professional life could get a lot better. अब आपने बोल दिया है इलियाना, तो फैंस आपकी इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे। तो ये था बॉलीवुड कैफे का आज का एडिशन। मैं हूँ रंगीली रुचि और ऐसी ही मजेदार मसालेदार फिल्मी खबरों के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी।